पुलिस के कड़े पहरे के बीच दिल्ली में शादी करने वाले गैंगस्टर काला जठेड़ी और हिस्ट्री शीटर रही अनुराधा अब पति पत्नी बन चुके हैं। हालांकि इन दोनों की शादी साल 2020 में ही हो चुकी थी, लेकिन इसे सीक्रेट रखा गया था। इस शादी का जिक्र हरियाणा पुलिस के पास मौजूद लेडी डॉन अनुराधा के डोजियर में भी है। 12 मार्च को हुई शादी के बाद अगले दिन अनुराधा को अपने पति के साथ गृह प्रवेश के लिए सोनीपत के जठेड़ी गांव जाना था, लेकिन कोर्ट ने काला जठेड़ी को दी गई 2 घंटे की कस्टडी पेरोल रद्द कर दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अनुराधा चौधरी अब कहाँ है? क्या वो अकेली ही ससुराल पहुंच चुकी हैं? कोर्ट ने 13 मार्च के लिए काला जठेड़ी को 2 घंटे की कस्टडी पेरोल दी थी। हालांकि हरियाणा पुलिस ने कोर्ट में कहा कि मनोहर लाल खट्टर के सीएम पद से इस्तीफा देने और किसान आंदोलन के चलते उसके सामने लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। पुलिस ने कहा कि ऐसे हालात में वो काला जठेड़ी को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती। हरियाणा पुलिस की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने काला जठेड़ी की कस्टडी पेरोल रद्द कर दी। काला जठेड़ी जहां इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, वहीं अनुराधा दिल्ली के द्वारका में ही है। अनुराधा ने कहा है कि वो तब तक जठेड़ी गांव में अपने ससुराल नहीं जाएंगी जब तक उसके पति के साथ उसका गृह प्रवेश नहीं होता। अनुराधा ने ये भी कहा है कि काला जठेड़ी को गृह प्रवेश के लिए पेरोल की मांग लेकर वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। आपको बता दे कि कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट और MBA की डिग्री हासिल कर चुकी अनुराधा फिलहाल LLB की पढ़ाई कर रही हैं। ये जानकारी खुद अनुराधा के वकील AP सिंह ने मीडिया को दी थी। LLB करने के पीछे अनुराधा का मकसद है कि आगे चलकर वो अपने पति काला जठेड़ी के केस खुद ही संभाले। अनुराधा खुद भी ये बात कई बार बोल चुकी हैं कि वो अपने पति को कानूनी तौर पर सपोर्ट करेंगी। काला जठेड़ी और अनुराधा की शादी के लिए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और स्वाट कमांडो की एक पूरी टीम को उतारा था। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 में बने संतोष गार्डन बैंक्वेट हॉल में शादी के दिन मेहमानों से ज्यादा पुलिस के जवान थे। एक एक मेहमान का लिस्ट में नाम देखकर और पूरी चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया गया था। पुलिस को आशंका थी कि हाई प्रोफाइल मामलों में नाम होने की वजह से शादी की भीड़ का फायदा काला जठेड़ी के दुश्मन गैंग उठा सकते हैं। ऐसे में पुलिस ने कोई रिस्क नहीं लिया और शादी के लिए बैंक्वेट हॉल को एक किले में तब्दील कर दिया। यहां तक कि बैंक्वेट हॉल के स्टाफ को भी विशेष ID कार्ड दिए गए थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।